बेमौसम बरसात से धान की फसल को भारी नुकसान, किसान हो रहे हैं परेशान। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सीतापुर के विकास खंड एलिया के अंतर्गत ग्राम बीबीपुर के किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बेमौसम बरसात से पानी से धान के खेत भर गए हैं, जिसके कारण धान सड़ने की नौबत आ गई है। इस बारिश से धान की फसल का काफी नुकसान हो रहा है। बीबीपुर के एक किसान दशरथ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा सारा धान पानी में डूब गया है, जिसको पानी से निकाल कर ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन अगर ये बारिश लगातार होती रही तो सारा धान सड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्राम होशियारपुर के किसान बिहारी लाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा एक एकड़ धान भी पानी में डूब गया है। पानी में धान डूबने के कारण धान सड़ने की आशंका बताई गई है। ये भी बताया गया कि अगर धान सड़ गया तो भुखमरी भी हो सकती है। इस तरह से बेमौसम बारिश जो इस समय 3 दिन से लगातार हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों का सिरदर्द बढ़ गया है। जहां धान की कटाई हो रही थी, वहीं गन्ने का भी सीजन आ गया है एवं किसान गन्ना काट के बैल पर बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बैल भी बंद पड़ी हुई है, जिससे किसानों की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। इसी बारिश को लेकर के चौराहे पर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है एवं चौराहे पर आने जाने वालों की संख्या भी कम हो गई। अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो किसानों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आरडाइन भारत के लिए कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, सीतापुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडाइन भारत। हम मौजूद हैं इस समय यूपी सीतापुर के विकास खंड एलिया के अंतर्गत गांव, कौन सा गांव भैया? बीबीपुर में, जहां पर आज जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय किसानों का जो है धान की फसल है, और धान की फसल बारिश के कारण धान पानी में भीग जाने के कारण किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जानकारी लेते हैं किसानों से, क्या मामला है, कैसे उनको ये अपने धान किस तरह से उठाएंगे, क्या कैसे क्या करेंगे, ये जानकारी लेते हैं। हाँ भैया बताओ। धान तो हमारे बूढ़ गए हैं, कमाए खाए, धान सब बूढ़ गए हैं पानी में बारिश के कारण। हाँ, बारिश के कारण पानी में आपके धान खेत है, क्या खाइए रोको। हाँ तो भैया बताओ, ये धान जैसे आपका बारिश में भीग गया है पूरा, तो अब इसको किस तरह से आप निकालेंगे? बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, अभी तो बाहर निकाल रहे हो, लेकिन इसके बाद जैसे अभी ये बारिश में ज़्यादा काफ़ी भीग जाने के कारण सड़ भी तो सकता है। सड़ जाएंगे, सड़ गए, जम गए हैं ना, तो अब ये कैसे धान आपको आपके काम किस तरह से काम में आएंगे? नुकसान हो रहा है ना, अगर ये लगातार बारिश होती रही तो सारा धान सड़ जाएगा, तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अब गवर्नमेंट जो कुछ करे, गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहे। अच्छा, गवर्नमेंट जो भी, हाँ नहीं तो भूखों मरेंगे। अच्छा ये बताओ, और समस्या है क्या? जैसे आज तीसरा दिन है बारिश का, लगातार बारिश हो रही है, तो और भी कोई समस्या है? सब घर मकान गिर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ नजदीकी यही होशियारपुर, सब करके देख लीजिए। हाँ, हमारा भी 5 बीघे खेत। अच्छा, सब धान से अस्त व्यस्त तरह खेत गिरवी रख करके उसमें कमाई की थी, सब सारा धान सब भीगा पड़ा है। मम्मी पापा जहाँ रह रहे हैं, देखिए, आवास रहने के लिए नहीं, सब झोपड़ी में चल के देख लीजिए, वहाँ पे सर रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए अभी चलते हैं। हाँ देख लीजिए, वहाँ तो हम लोग इतना परेशान है, सारी रात सारा दिन हो गया, बैल बदिया वो चपरे में, माता पिता वो सब बच्चे लोग। तो आपका भी धान जो है 5 बीघा पानी में डूब गया? जी सर, चल के। क्या नाम है? हमारा नाम सर बिहारी लाल है। कौन सा गाँव है? यही होशियारपुर सर गाँव है। और आपका क्या नाम है? दशरथ। दशरथ, कौन सा गाँव है? और सर हमारा गाँव एक। तो आप देख रहे हो किस तरह से किसानों को ये बारिश के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये बारिश अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित, जिला संवाददाता, आर9 भारत।